हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। आज हम लोग देखेंगे कि कोल इंडिया में कितने टाइप के लीव हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से किसी क्लिप का या कोई भी लीव का कोल इंडिया में। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी हाल ही में ECL और WCL को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस तरह। ये तो जनरली सभी जितने माइनिंग स्टूडेंट हैं उन सबको लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ कितने टाइप के सिक लीव या कितने टाइप के लीव होते हैं कोल इंडिया में। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है। टाइप ऑफ लीव्स इन कोल इंडिया, देखिए पहला क्या बोलता है। पहला है कैजुअल लीव, जिसको हम लोग सीएल भी कहते हैं। वो साल में कहीं कहीं 11 12 मान लीजिए 12 मिलता है कैजुअल लीव पूरे साल में आपको। ठीक है, अब आइए सिक लीव पे। सिक लीव आपको 15 मिलेगा पूरे साल में। ठीक, और देखिए ये जो ये कैजुअल लीव है वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब इस साल का इसी साल में लैप्स हो जाएगा अगर आप यूज नहीं करेंगे तो। ठीक है, लेकिन ये जो सिक लीव है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, इस साल में आप लोग यूज नहीं किए हैं तो ये नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिक लीव कैरी फॉरवर्ड सिक लीव है। ठीक है, लेकिन ये कैजुअल लीव नॉट कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ये है देखिए जो कैजुअल लीव है ना उसको हम लोग एक बार में आप 8 यूज कर सकते हैं। एक बार में 8 से अधिक एक बार में आप यूज नहीं कर सकते हैं। और कैजुअल लीव में क्या होता है ना कि अगर आप लिए हैं इसके बीच में आपको संडे आ गया तो संडे सीएल में काउंट नहीं होगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कैरी सीएल है जो 8 मिलेगा एक बार में, आप मैक्सिमम 8 ले सकते हैं और ये कैरी फॉरवर्ड लीव नहीं है। लेकिन वही सिक लीव है वो कैरी फॉरवर्ड लीव है, इस साल का अगले साल शिफ्ट होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं अर्न लीव, जिसको हम लोग प्रिविलेज लीव भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना अर्न लीव जिसको हम लोग ना अगर नहीं लेंगे तो उसके बदले में हम लोग को पैसा वापस कंपनी दे देगी, हम लोग चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है आप जानते हैं ये कितना है आपको 15 है अंडरग्राउंड वालों के लिए। ठीक, 15 दिन में एक 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 अर्न लीव मिलेगा ईएल, और ओपन कास्ट वालों के 20 ओपन कास्ट वालों के लिए है एक ईएल। ठीक है, तो ये है 15 फॉर अंडरग्राउंड पर डे, मतलब एक ईएल मिलेगा आपको, और 20 दिन पे ओपन कास्ट में एक ईएल मिलेगा, ये अर्न लीव है। ठीक है, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप लोग 300 डेज तक। ठीक है, और चलिए ये हो गया, इसके बदले में आपको आप कैश भी ले सकते हैं, इन कैश करा सकते हैं कंपनी से, कोल इंडिया पैसा देगी इसका। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये बेसिक मिलेगा, बेसिक प्लस डीए डीआरएस अलाउंस मिलेगा उसका। ठीक है, अब चले आइए सी ऑफ और एलएल, जिसको लीव लीव बोलते हैं। ये कंपनसेशन, जैसे कि इस वीक में अगर आपका रेस्ट है, अगर आप रेस्ट नहीं लिए हैं तो ये रेस्ट अगले वीक में शिफ्ट हो जाएगा, समझे। इस तरह ये 3 मंथ तक आपको लेना रहता है। ठीक है, 3 मंथ के अंदर आप तक आप कैरियर फॉरवर्ड होगा, उसके अंदर ही आपको क्लियर करना रहता है ये सी ऑफ और एलएल लीव लीव। ठीक है, अब आप आइए हम लोग आते हैं आपका गवर्नमेंट हॉलीडे। जो गवर्नमेंट हॉलीडे है ना
यहाँ पे आपका है गवर्नमेंट हॉलीडे, गवर्नमेंट हॉलीडे आपका 16 मिलता है हेडक्वार्टर में, कोल इंडिया के हेडक्वार्टर में 16 मिलता है, और 8 मिलता है आपको प्रोजेक्ट माइंस में, आप मान लीजिए कोई माइंस में काम कर रहे हैं तो आपको 8 ही हॉलीडे मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आपको देते हैं स्टडी लीव, स्टडी लीव आपको 5 साल तक दिया जाएगा, मिल सकता है, इसमें से 2 ईयर आपको फुल पे मिलेगा, लेकिन और प्लस 3 ईयर जो रहेगा उसमें नॉट पेड होगा, ठीक है, अनपेड रहेगा, नॉट पेड, ठीक है, मतलब आपको 2 साल तक पूरा पैसा मिलेगा और बाकी 3 साल के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्टडी लीव को कौन ग्रांट करता है आपको? सीएमडी ग्रांट करेगा, तभी स्टडी लीव मिलेगा आपको, ठीक है। अब आइए स्पेशल कैजुअल लीव, आप अगर कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना जा रहे हैं या फिर कोई किसी चीज़ अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई भी चीज़ को लेके, ठीक है, उसमें स्पेशल कैजुअल लीव आपको दिया जाता है, ठीक है। अब आइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे, ठीक है, इसको LWP बोलते हैं, लीव विदाउट पे, ठीक है। ये कब मिलता है आपको? अगर आपको कोई बीमारी हो गया, ठीक है, इलनेस में मिलेगा, इलनेस में ये मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं बच गया है तो अगर आप फिर उसके बाद भी कुछ मतलब लीव ले रहे हैं, ठीक है, तो ये लीव मिलेगा, लेकिन ये विदाउट पे होगा, पैसा नहीं मिलेगा आपको इस लीव के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका मैटरनिटी लीव, जानते हैं ना, वुमेन एम्प्लॉय के लिए मिलता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं जिनका बच्चा होने वाला रहता है या फिर हो जाता है, उनको छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव कहते हैं, ये पैटर्निटी लीव भी बोलते हैं, जो अगर कोई फादर बनता है तो उसको ये छुट्टी दिया जाता है, उसको आपको 15 डे दिया जाता है, ठीक है, ये पैटर्निटी लीव है, ठीक। और ये है एक और लीव है जो है आपका स्पेशल लीव एक आता है, मैं भूल गया हूँ लिखना, स्पेशल लीव है जो 6 मंथ तक मिलेगा आपको, 6 मंथ तक फुल पेमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। स्पेशल लीव कब मिलता है? जब आपको टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया, तो इस तरह के केस में आपको 6 महीने तक फुल पेमेंट कंपनी देगी, ठीक है, ये स्पेशल लीव में आता है। ये सारे ये टाइप है आपके लीव, टाइप ऑफ लीव इन कोल इंडिया। अगर आप कोल इंडिया ज्वाइन करते हैं या फिर आपने कोल इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं तो ये सारे लीव के बारे में जानकारी आपको होना जरूरी है। तो चलिए ये पूरी जानकारी थी पूरे कोल इंडिया में किस कितने टाइप के लीव मिलते हैं उसके ऊपर, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग कंसेप्चुअल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते